Dubai? Yeah. Guys, we need some space. Lights on. What is the shape of you? This is the shape of me. मेरा वजन बस एक नंबर है, मेरी पहचान नहीं. मुझ पे कसे हुए तानों पर रुके हैं मेरे कान नहीं. My body, mind, soul is more than just the color of my skin. The X's in front of the L's on the tags of my clothes fail to measure the size of my soul. I am free from the gazes that tell me that I am too thin, too dark, too flat, too big. इंडस्ट्री के बदलते फिटनेस की डेफिनेशंस में मैं खुद को ढालती गई. एवरेज से, स्लिम से, जीरो फिगर से, एब्स तक मैं अपनी इमेज को संभालती गई. अब शेप अच्छा ना हो तो कहेंगे ये फेलियर से भरी है, और शेप अगर ज़्यादा ही अच्छा हो तो कहेंगे ये तो सर्जरी है. फाइनली नो वन ever really speaks about the shape of my mind, but I stopped caring long ago. बेवजह से मचते हुए शोर में बुलंद मेरी आवाज है. मैं जो हूं जैसी हूं मुझे अपने आप पे नाज है. This is the shape of me. What's the shape of you? Thanks all. अभी ओके रंदा फोटो लेंगे. शिल्पा, मीडिया प्रेफर्स यू टू बी ऑन दैट चेयर. दिस इज सो शिल्पा प्रेफर्स दिस दैट्स व्हाट इज बैठने का कार्ड और बैठ लो. फोटो से क्या हां हां लेकिन लीव ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर. नो देयर क्वेश्चंस ओनली आर यू आंसरिंग. अरे कैमरे पे कौन, कैमरे पे कौन इधर है भाई? चलो लगाओ. एक फोटो जब बात कर रहे ऐसा लेता हूँ तो बैकअप के लिए. अंदर नहीं ले लो चेयर ऊपर बेटा. चेयर अंदर प्लीज. यार तैयार है? नहीं, इंटरव्यू माइक पे करेंगे. शिल्पा, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. मतलब सुन के थे ना गूज बम्स आ गए गाइस. एक बार तो तालियां बन दिया. कितनी बार अपने रियर्स किए सत्संग? दो बार. ओके, सो अभी यहाँ पे प्रेस बैठा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इनकी तरफ से. उसके पहले
मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ ऐसा रहा नहीं जाता, मेरे पास इतने क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसके पहले इनके स्टार्ट करें, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आपने इतने सारे गेस्ट के साथ शूट किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि जाती तौर पे मैं सबको जानती हूँ, लेकिन उनके हैक्स क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह सोचते हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे इस शो के ज़रिए मिली। एंड आई जस्ट फील दैट दे वर्क इज ग्रेट कैटलिस्ट फॉर टुडेज यू नो मिलेनियल्स, बिकॉज दे आर ऑल इंस्पायरिंग आइकॉनिक फिगर्स। सो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, टॉक शोज, फिटनेस शोज, व्हाई डिड यू चूज शेप ऑफ यू? पहली बात तो कोविड के बाद यार ये शो हम करने वाले थे कुछ डेढ़ साल पहले, फिर कोविड हो गया और फिर लॉकडाउन हो गया, तो ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था। मैं बहुत पता नहीं, जब मैं करती हूँ काम तो मुझे पहली बात तो कुछ पर्पस होना चाहिए उसमें। सो इफ़ आई डू टीवी, ये एक माध्यम है जो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इसके साथ, तो आज आरजे भी बन गई हूँ, टीवी हो गया, 70 MM हो गया, आरजे भी बन गई हूँ मैं। बट आई फेल्ट दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट, हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, एंड दिस इज ऑल एनकम्पसिंग। द शेप ऑफ यू डजंट जस्ट स्पीक अबाउट द शेप ऑफ यू फिजिकली, we're talking to celebrities and we are getting a lot of knowledge and a lot of inspiring information of how ordinary their lives are, despite the fact that the perception looks really extraordinary, and how they lead their lives. And we're talking and paying more emphasis on mental health than just the shape of your physical health or your body. तो मुझे ये सबसे ज्यादा भाया इस शो के बारे में, जस्ट अबाउट द फिजिकल फिटनेस बट आल्सो द मेंटल फिटनेस टोटली। और इस टाइम में, इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ रियली इज अ सब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट, नीड्स टू बी टच्ड अपॉन। बहुत सारे लोग बहुत सारे यू नो सिचुएशंस के साथ या बहुत सारे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस के साथ जूझ रहे हैं, एंड आई जस्ट फील दैट दे आर नॉट इवन अवेयर इफ दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और अगर अवेयर हैं भी तो उनको पता नहीं कि वो कैसे जूझे उससे। तो व्हेन यू हैव अ सेलिब्रिटी स्पीकिंग अबाउट देयर डिफिकल्ट टाइम्स एंड टेलिंग देम हाउ दे डेल्ट विद इट, एक आई थिंक इट्स एनकरेजिंग एंड इट्स ह्यूजली इंस्पायरिंग फॉर मी। इट्स बीन इंस्पायरिंग इवन एज अ होस्ट, so I'm sure it's going to have a great effect on you know the audiences and the fans. So जैसे मैं अपने intro में कहा, Bollywood ने ना एक बदलता दौर देखा है, like from physical fitness and mental fitness everything. So ये जो एक shift आया है in the Bollywood industry, what's your perspective on that? देर आया दुरुस्त है, it's a high time. मेरा नजरिया fitness और wellness को लेकर बहुत अलग है। आई थिंक लोग फिटनेस की ओर इसीलिए चल पड़ते हैं क्योंकि उनको अपनी शेप को बदलना है। मेरा बहुत अलग फिलॉसफी है या मंत्र है कि स्वस्थ रहो मस्त रहो, इस फिलॉसफी के साथ मैं जीती हूँ और मैं इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ। फॉर मी इट्स नॉट जस्ट द शेप ऑफ योर बॉडी, इट्स द शेप ऑफ योर मेंटल हेल्थ, एंड it's you know about feeling healthy from within, it's about feeling happy, kyunki aur koi cheez maayne nahi rakhti hamari zindagi mein. Aapke paas matlab jitna bhi wealth aaye, if you don't have health, what's the use of that? How are you going to enjoy it? So I really feel that you know it's so important in this time and age, especially main dekhti hu bahut logon ko ke दे यू नो बहुत सारे फैट डाइट्स को अपना रहे हैं, क्रैश कोर्स यू नो क्रैश डाइट्स अपना रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स। सो आई फील इन लाइफ यू हैव टू मेक अ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ओनली देन विल इट वर्क फॉर यू। सो इस शो के माध्यम से आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू दैट। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट गोइंग टू जस्ट गोइंग टू द जिम, खाना एंड द होल लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट फीलिंग हेल्दी एंड फीलिंग
wellness from within, feeling well, you know. Right. And that's what we're paying attention to. Right. So, you know, Bollywood actors pe na pressure hota hai, you know, so to look young and fit like all the time. And you have been in the industry for like so many years. Aapne wo kaise maintain kiya? What was the question again? So, Bollywood actors mein na bahut sara pressure hota hai to look, you know, every time young dikhna hai, fit lagna hai, on screen, jo bhi. And aap itne saal is industry mein ho. To aapne ye kaise maintain kiya? Young dikhna hai, pata nahi. Us area mein mujhe kabhi problem hui nahi. Young kya hai? What is age? I think it's just really number. Ye bahut bolte hai, likha gaya hai. For me, it's all about health and pressure. It's what you or how you want to approach your life, you know. मैं सिर्फ अपने आप को competition समझती हूँ. I'm sorry, I don't mean it in a vain sort of way. I mean it with complete humility, with due respect to all my contemporaries. मैं inspiration लेती हूँ उन सब से. But I only work on myself, for myself, to better myself, to be a better version of myself. तो मेरा वो कभी pressure होता ही नहीं है कि मुझे इससे better लगना है या मुझे इससे young लगना है, वो होता ही नहीं है मेरे साथ. तो मैं I'm lucky there. And जो actors ये सोच रहे हैं, मतलब जो stress लेते हैं कि मुझे ऐसा दिखना है वैसे दिखना है, उनके लिए आपको क्या advice देने? मैं कौन हूँ यार advice देने वाली? वो जिए each to their own. I just feel कि you have to be secure within yourself, and अगर वो security आप जानते हो कि आप आपकी जगह और कोई ले नहीं सकता, and you are that one person who is the OG, you know, no one can take your place, then there's no question of feeling insecure. And you know, and I also believe that you are what you eat. आप अच्छा खाओ, आप अच्छा सोचो. आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो. मैं हर बार ये बोलती हूँ क्योंकि फिर वो ऊर्जा जो है ना वो कन्वर्ट होता है. You'll feel that energy in the room. If we all start thinking positively about each other, how wonderful this place would be. You know, the world would be such a nice, positive universe. Yeah, so I don't feel those negative emotions. So, you know, koi bhi actor, actress, controversy se nahi bacha hai. And what? Yeah, and controversy. Okay. So controversy affects, you know, your mental state of mind. So ऐसे time पे क्या करना चाहिए? Because अभी ये बहुत कुछ चल रहा है in Bollywood. So what is your take on that? एक तो प्राणायाम करो. Okay. दूसरा ignore करो. Ignore. प्राणायाम ज़्यादा होता है जब controversy के बीच में आप होते हो. Right. फिर ignore करो. फिर बस सब अल्लाह मालिक. भरोसा करो श्रद्धा और सबूरी पे. But on a serious note, you also have to believe in truth. And the truth only lies within you. Usse koi nahi badal sakta. And controversies, unfortunately, are always of a negative nature. Right. So if you kind of create that positivity within you to be able to combat the negativity, you will always be a winner. So I have been through so many controversies in my life. I can say this out of experience. Everything in life happens for the best. And it may look like the worst thing at that given point. Mm. But the truth always prevails and it's within you. So you have to live by that. So like positivity is the key. 100%. Yeah. In every situation. So Shilpa, mere paas aur bahut sare questions hai. पर अभी प्रेस के भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैंने उनके नहीं क्वेश्चंस पूछे ना मुझे छोड़ेंगे नहीं. सो अभी उनके आंसर करते हैं जो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट टू बिकम एन आरजे एंड चैट शो होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग. इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, सो कूडोज टू ऑल यू गाइस हु रियली डू इट डे इन डे आउट. टेक्स अ लॉट ऑफ टैलेंट. जैसे आपने सोचा था वैसे ही हुआ, लाइक व्हेन यू डिसाइडेड टू बिकम एन आरजे कि कुछ डिफरेंस था? ये तो सुनने वालों पर निर्भर है. एक बार वो सुन ले और फिर मुझे वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि मैंने
ठीक किया कि नहीं किया, मतलब शो के लिए वेट करना ही पड़ेगा, मतलब कोशिश की है मैंने. सेकंड, व्हाट वाज द मोस्ट टफेस्ट एंड एंजॉयबल पार्ट ऑफ होस्टिंग द शो? पहले टफेस्ट. टफेस्ट टफ तो कुछ नहीं होता यार. Nothing is impossible. It may be tough. It's okay. If it's not tough, it's not challenging. And if it's not challenging, it's not exciting for me. Because if you do easy things, then it doesn't, you know, play with your mind. I like things that you're, you know, that I can challenge myself with, and then I like to come out, you know, drums. But dusra sawal kya tha? Enjoyable part. Enjoyable part. I could just chill and just be myself with the artists and the celebrities that came on the show, and I got to know so much more information. Yeah. So what was the most main highlight for you? ज़्यादा reveal नहीं करना है. कोई भी आपका best moment. There were many. Every human being is different. और सबका नज़रिया अलग होता है, तो इट्स वंडरफुल टू सी हाउ मच फोकस पीपल हैव सडनली ऑन हेल्थ एंड फिटनेस. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटीज, बट ऑल्सो एक ऐसा शो बना है अब, क्योंकि शो तभी बनता है, कॉन्टेंट तभी बनता है जब आपको पता चलता है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं, या ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये यू नो विल सर्व द पर्पस. सो वीव कम अप विद अ हेल्थ एंड फिटनेस एंड वेलनेस शो, एंड ऑल द एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज ऑल्सो हैव कम ऑन द शो, एंड आई रियलाइज दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन देयर लाइव्स ऑल्सो, यू नो, कि वो सिर्फ फेम को अहमियत नहीं देते, अपने हेल्थ और फिटनेस पे भी आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं. सो या नेक्स्ट जिसने भी ये सवाल पूछा है उनको आंसर मिल गया ऑलरेडी. नेक्स्ट किसका था यहाँ पे क्वेश्चन? What is the USP of this show? The USP? Yeah. The fact that it'll give you a lot of insightful information on how to achieve your fitness goals, how to stay happier, how to be in better mental health, and how it is not wrong to ask for help if you are going through a difficult time. Right. You know, and how it is important to focus on yourself and to be happy. That's what the USP of the show is. Yeah. मतलब अकेले बैठ के ये मत, just go out and just. You have to share your problems. You मतलब you have to have positivity. You have to live in awareness. Yeah. And I think that really is key in life. And this show is to bring awareness to this generation and people who are obviously suffering with different issues, physical ho, mental ho, and it's important for them to understand and know that even as celebrities we all have issues, we all have problems, and this is how we deal with it. So there's nothing wrong with, you know, approaching people for help. If you agar daant mein aapko problem hai to aap dentist ke paas hi jayenge na. So like that, if you have a problem where you're finding it difficult to deal with anxiety, or you're going through a sad time or a difficult time, you must seek psychiatric help. You must, you know, make sure that you're getting the right information on medication that they are prescribing. So it's important to be aware. Yeah. Next, aisa koi guest jiske fitness journey ne aapko inspire kiya? I think every person on every level inspires me. सभी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बट हमारे आज हमने शूट किया जॉन के साथ, और मुझे आज ऐसे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसे सोचती हूँ. जितने भी लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, इस मिलियू में है, फिटनेस को लेकर या वेलनेस को लेकर पैशनेट है, वो ऐसा ही सोचते हैं.
न्यूट्रिशन को लेकर, यू नो मैक्रोस को लेकर, फिटनेस को लेकर. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक ओ ओके, दिस इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू बी इन द राइट शेप. And a lot of less bold. Silent. This is silent. No, it's an alarm. मतलब अगर violent हो गया तो क्या हो जाएगा? Alarm. Alarm. Okay. Attendant. Next, इस show के season 2 में आपका dream guest कौन है? Dream season पहले first तो होने दो. Season number season number तो चलने ही वाला है. Season 2 आएगा ही. आपका कोई dream guest? मेरा कोई dream guest? इसके आप इनको बुला के बात करना चाहते हैं, उनके fitness journey जानना चाहते हैं. अमित जी, क्योंकि उनकी जर्नी भी काफ़ी कमाल की रही है. इमेजिन ही इज बिन थ्रू अ मेजर इंजरी इन हिज लाइफ बैक इन द डे एंड लुक एट हिम टुडे, इवन एट दिस एज ही इज वर्किंग, टच वुड, ही इज सो हेल्दी. एज इन आई एम श्योर इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू बी वेयर ही इज एंड इट मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. Yeah. So you are a mother of two kids. Mm-hmm. आपके fitness routines है, आप कैसे manage करते हो? मत पूछो यार. But मतलब difficult तो होगा. हाँ बहुत difficult है. But मेरी cardio हो जाती है. मैं बच्चे के मैं समीशा के पीछे भागती हूँ. फिर वियान मुझे कहीं और बुला देता है. Honestly, I just feel I don't know शक्ति कहाँ से मिलती है. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ. मैं जितने भी mothers हैं उनकी बात कर रही हूँ. बिकॉज वी डैबल विद अ लॉट. वी आर होम मेकर्स नाउ. वी ऑल्सो यू नो इट्स एन इगैलिटेरियन वर्ल्ड. वी आर वर्किंग. बैलेंस आई थिंक इसकी. तो मैं पहले जब इतना काम नहीं कर रही थी तो मैं हफ्ते में एटलीस्ट 6 बार योगा करती थी. अब मैं 4 बार करती हूँ. तो इट्स हार्ड. हो जाता है मैनेज. या 3 बार कर लेती हूँ. कुछ भी नहीं होता. डिफिकल्ट होता है. यू हैव टू राइज अबव द डिफिकल्टीज एंड मेक इट पॉसिबल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने पूछा है व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड और लुकिंग फॉरवर्ड टू दीस डेज. कुछ भी हो सकता है. हॉलिडे. हॉलिडे. आर वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हॉलिडे. Though, I mean, we were sitting at home with COVID. I mean, in COVID. And I do not want any holidays on one side. But jab suddenly, jab kaam aa jata hai na, sab saath mein aa jata hai. And then you're like, you know, gosh. Yeah. But jitne bhi homemakers hai, unko to ek din ki bhi chutti nahi milti. And they have no holidays. So I salute all those mothers, all those women out there who are dabbling with so much. All those people who have been through a difficult phase in COVID and they've come out stronger, you know. They've lost a lot of, the people who have lost a lot of family, lost jobs, lost a sense of self-worth, lost placement, you know. So my heart goes out to all of them and I just want them all to know ke is show ke madhyam se hi कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी एंड द शेप ऑफ यू इज डिटर्मिंड बाय द शेप ऑफ योर माइंड नॉट बाय द शेप ऑफ योर बॉडी. सो वंस यू आर इन अ गुड शेप ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली द बॉडी विल फॉलो. सो पे अटेंशन टू द माइंड एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस. सो वन फिटनेस एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव द मीडिया. अभी तो दिया मैंने. और कुछ? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. फैंस के लिए एक मैसेज. फैंस को एक मैसेज. नॉट अबाउट फिटनेस, एनीथिंग. यही तो यही बात मैंने बोली कि आप जिंदगी में किसी भी दौर से गुजरे, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, आप उस हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं. तो मेरा ये मानना है कि मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लिव इन अवेयरनेस स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन. हु थिंक इफ दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दे मस्ट अंडरस्टैंड एंड
लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड इस पर वो अमल करें कि मोर देन द शेप. You know, a lot of people start their fitness journey because they want to impress somebody, because they want to fit into a lehenga, apne dost ke shaadi pe ja rahe hain, they want to fit into a pair of jeans, they want to look good for other people. Is perception ko main badalna chahti hu. I think first and foremost, you have to want to feel good for yourself. If you embark on this journey of wanting to feel healthy, feel well for yourself, automatically you will realize that it's worth it, all the effort is worth it. अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये बहुत ही मतलब monotonous लगेगा कि अरे यार ये पार्टी नहीं की हमने, यहाँ पे पी भी नहीं सकते, यहाँ पे खा भी नहीं सकते. But if you embark on it with a goal-oriented focus कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे healthy होना है, तो फिर आप वो consistency maintain कर पाएंगे. तो वो आप फिटनेस को सीरियसली ले अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए. सो थैंक यू शिल्पा, थैंक यू सो मतलब आज सबको फिट, मतलब आज सब भागने वाले जिम में है ना, आज और फिर कल भूल जाएंगे. सो ऑन बिहाफ ऑफ फिल्मी मेंशिप, थैंक यू सो मच शिल्पा कि आपने हमारे साथ ये शो किया है, शेप ऑफ यू. एक सवाल तो पूछना भूल ही गए, कौन सा, कि आपने मिर्ची को क्यों चुना बता दो. अरे बोला तो, अरे नहीं अभी सब थक गया, मिर्ची की चटनी बना दूंगी. सो ऑन बिहाफ ऑफ फिल्मी, थैंक यू सो मच. आई होप आपने आरजे बन के ये शो एंजॉय किया है, एंड आई होप सबको ये शो अच्छा लगा. आई होप कि मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ. वो सबको देख ही रहा है, मतलब इतने लोग खुश है. थैंक यू सो मच शिल्पा एंड ऑल द बेस्ट. खुश है कि खत्म हो रहा है, नहीं सबको कुछ जिम भागना है. थैंक यू सो मच, सॉरी हमने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन मिर्ची वालों ने काफी सारा टैलेंट निचोड़ा है मुझसे. तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग. ढेरों सारी बातें हुई, आज का जो आपका किरदार पर ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस. बहुत बातें नहीं, लकीली मेरे लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सिर्फ 12 या 15 मिनट का शो है, तो वी हैड टू कीप इट क्रिस्प एंड वी हैड टू कन्वे द राइट मैसेज. और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है दैट रीचेस यू नो इवन द टू टायर्स, द थ्री टायर सिटीज़, और उसकी रीच कमाल होती है. तो फिटनेस और हेल्थ की जहाँ पर बात होती है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, और मुझे बस मैं मौके की तलाश में रहती हूँ. तो जब उन्होंने मुझे फिल्मी मिर्ची ने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप आरजे बनेंगी और हम लोग ये शो कर रहे हैं शेप ऑफ यू, मुझे एक कॉन्सेप्ट बड़ा भाया, और इसीलिए इसलिए मैंने हाँ कहा कि अगर मेरे ज़रिए या आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुँच सकती है, घर घर पहुँच सकती है, कि बहुत आसान है हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन रखना, और कितना इम्पॉर्टेंट है वेलनेस का हमारी ज़िंदगी में होना, यू नो. और जब मैं बोलती हूँ कि शेप ऑफ यू, इट्स नॉट जस्ट द शेप ऑफ योर बॉडी, इट्स द शेप ऑफ योर माइंड, और पॉजिटिविटी का होना, तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे बेटर शो नहीं मिल सकता, इससे बेटर माध्यम नहीं मिल सकता. सो दैट्स व्हाई आई सेड यस. इंडस्ट्री में जैसा कि पूरी इंडस्ट्री में बात होती है कि सबसे फिटेस्ट अगर बात हो तो शिल्पा जी, जैसा कि यहाँ पे ये आपका प्यार है, लोगों का प्यार है बिल्कुल, एंड यहाँ पे भी जैसा कि बात हुई कि राजकुमार से लेके राजकुमार राव तक, मतलब जब भी टाइम चेंज हुआ है, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं आई वो शिल्पा जी की फिटनेस. तो ये प्रेशर भी होता है कि अपने आप को डेली मेंटेन करना, तो कैसे मेंटेन करके रखती हैं, ये जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल करती हैं शिल्पा जी. बहुत अच्छा सवाल है. देखिए नज़रिए की बात है, अगर आप इसे
प्रेशर के तौर पे लें तो आप प्रेशर्ड हो जाएंगे. मैं इसे पॉजिटिवली लेती हूँ कि लोग मुझे इंस्पायरिंग समझते हैं. लोग वेट करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं. सिंपल सोलफुल मेरा ऐप है और मैं कितने सारे लोगों को इनक्रेज करती हूँ अपनी ज़िंदगी में फिटनेस और वेलनेस के जर्नी पे वो एम्बार्क करें. तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मैं मेंटेन कर पाई हूँ क्योंकि इतना सारा प्यार मिलता है मुझे लोगों से. तो वो प्रेशर नहीं है. मैं एक्चुअली वेट करती हूँ. हम एक्चुअली एक्टर्स जो होते हैं ना बहुत ग्रीडी होते हैं. तो हम जीते हैं एंड वी थ्राइव ऑन लव. तो उस प्यार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं. तो अगर फिटनेस की बात हो मैं उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ. तो एक अच्छा मिश्रण है मेरे लिए. लोगों का प्यार भी मिल रहा है और मुझे मैं फिट भी हो रही हूँ साथ में. एंड आई वॉन्ट टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस. बट उससे पहले मैं खुद अपनी नज़रों में आई वॉन्ट टू कीप बेटरिंग माई सेल्फ ऑल्सो. तो मैं हमेशा लोगों से भी बोलती हूँ कि दूसरों के लिए कुछ करिए मत, अपने लिए करिए. अगर आप फिट होना चाहते हैं तो अपने लिए करिए. तो प्रेशर की बात ही नहीं आती यहाँ पे, बिकॉज आई वॉन्ट बी फिट फॉर माई सेल्फ. एंड एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि आज हमने यहाँ पर देखा जॉन एंड मसाबा बादशाह, कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सभी के साथ में? एंड आपने इनसे क्या सीखा? एंड आपने अपनी तरफ से क्या टिप्स दिया? कि आई नो कि आप टिप्स नहीं देना चाहते. मैं खुलासा नहीं करना चाहती क्या क्या बातें हुई, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग सुने और देखें. ये एक पॉडकास्ट है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं रोज़ प्रेरित होती हूँ बहुत सारे लोगों से, सिर्फ सेलिब्रिटीज से नहीं, आम जिंदगी में भी. मैं जब लोगों को देखती हूँ, माओं को देखती हूँ वो कैसे बैलेंस करते हैं, होम मेकर्स को देखती हूँ, तो मैं बहुत प्रेरित होती हूँ. मैं सभी से सीखती हूँ और सीखना चाहती हूँ, और इस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ. तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हमारे शो पर वो सारे आइकॉनिक है अपने अपने क्षेत्र में. एंड इट्स वंडरफुल टू सी कि एक कॉमनैलिटी है सभी में, कि आई फील नाउ सभी को हेल्थ और फिटनेस को लेकर आई थिंक दे हैव ऑल बिकम मोर अवेयर. और हेल्थ को लेकर वो एक्चुअली अभी हेल्थ को ज़्यादा अहमियत देने लगे, नॉट जस्ट टू वर्क. पहले उल्टा था, इट वॉज ऑलवेज वर्क दैट टुक प्रेसिडेंस ओवर हेल्थ. तो मसाबा से सुनना कि अब वो एक घंटे भले ही लेट जाए शूटिंग पे, लेकिन वो अपना वर्कआउट रिजीम है वो कंप्लीट करके जाएंगी. तो ये कमाल की बात है. ये कंसिस्टेंसी का होना, इट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू एनी काइंड, यू नो, टू अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए शिल्पा जी. शुक्रिया. स्वस्थ रहो. मस्त रहो.